गाइस मैं हूँ यहाँ पे समुंदर के बीच, पानी के बीच पर आज आया हूँ और ये है नज़ारा। देखिए बड़े बड़े जहाज रखे हुए हैं यहाँ पे, तो आज दिखाऊंगा मैं आप सभी को। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो बेल आइकन घंटी है इसको भी प्रेस। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग नहीं है, और मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ और बीच में मुझे समय नहीं मिला, उसके लिए मुझे खेद है। और आज मैं आया हूँ बीच में, बीच यानी कि समुंदर के साइड। तो नज़ारा लेते हैं, मस्त नज़ारा है, हवाएं बह रही है और ये रास्ता। तो चलिए आज आगे देखते क्या होता है। बस मैं पहुंच चुका हूं बीच के साइड में, और ये है, साफ सुथरा है बिल्कुल। और कहते हैं समुंदर सारे गंदगियां लेती तो है अपनी तरफ, लेकिन फिर उसको वापस साइड में कर देती है। समुंदर की अलग ही किस्सा है, सारी दुनिया की सारी गंदगी को साफ करते हुए नदी नाला से बहते हुए समुंदर में पहुंचती है और फिर उसे भाप बन के हमी पे बरसती है। ये लहरें और जैसे कहते हैं जल है तो कल है, कल नहीं आज भी है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे जीवन के साथ है। ये देखिए गंदा तो है, पत्थर नहीं, यहाँ पे सारे रेत रेत ही है, और ये पानी समय के हिसाब से बहती हुई आती है बाहर, फिर अंदर चली जाती है। काश हमारे मन भी समुंदर की तरह होता, सारे गंदगी सारे टेंशन को हम इसी तरह समा सकते अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह का है, थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।